हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम ट्रेजिक हीरो के बारे में डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। ट्रेजिक हीरो हम एक ट्रेजेडी के प्रोटैगोनिस्ट को कहते हैं और इन ट्रेजिक हीरोज के पास कुछ हीरोइक क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से वो ऑडियंस की सिंपैथी गेन करते हैं। लेकिन ट्रेजिक हीरोज के कुछ फ्लॉज भी होते हैं जिसकी वजह से उनका पतन या डाउनफॉल होता है। शेक्सपियर की प्ले रोमियो एंड जूलियट में रोमियो एक ट्रेजिक कैरेक्टर है। रोमियो का अपने प्यार के प्रति चाहत उसे एक कॉम्पेलिंग कैरेक्टर बनाता है, लेकिन उसकी यही क्वालिटी उसके डेथ का भी कारण बनता है और उसे एक परफेक्ट ट्रेजिक हीरो बनाता है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने सबसे पहले ट्रेजिक हीरो के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था। एरिस्टोटल का मानना था कि एक अच्छी ट्रेजेडी हमेशा ऑडियंस में पिटी और फियर जैसी इमोशंस पैदा करती है, और ऑडियंस में यही पिटी और फियर इमोशंस पैदा होने को एरिस्टोटल कैथर्सिस कहते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कैथर्सिस के ऊपर बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एरिस्टोटल कहते हैं कि जब भी एक ट्रेजिक हीरो की मौत होती है तब वो ऑडियंस में पिटी जैसी पैदा करती है, और फियर ऑडियंस में तब पैदा होती है जब ऑडियंस ये सोचते हैं कि अगर उस कैरेक्टर के साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। सो एरिस्टोटल के अनुसार एक ट्रेजिक हीरो के मौत से ऑडियंस में पिटी और फियर जैसे इमोशंस पैदा होनी चाहिए। अगर ऐसी इमोशंस पैदा नहीं हुई तो वो एक प्रॉपर ट्रेजिक हीरो नहीं है। एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर कोई भी ट्रेजिक हीरो को ऑडियंस में पिटी और फियर जैसे इमोशंस पैदा कराना है तो उस ट्रेजिक हीरो के कुछ क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर वन, एक ट्रेजिक हीरो वर्चुअस होना चाहिए। वर्चुअस से एरिस्टोटल का ये कहना था कि कैरेक्टर नॉबल होना चाहिए और बहुत पावरफुल होना चाहिए, जो कि सोसाइटी के रूल्स और मोरालिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। इस तरह के क्वालिटीज हीरो को अट्रैक्टिव बनाती है और हीरो को और ऑडियंस की सहानुभूति या सिंपैथी हासिल करने में भी मदद करती है। नंबर टू, एक ट्रेजिक हीरो को फ्लॉड भी होना चाहिए। एक ट्रेजिक हीरो में हीरोइक क्वालिटीज होने के साथ साथ उसमें कुछ फ्लॉज भी होना चाहिए जो उसके पतन या डाउनफॉल का कारण बने, और यही ट्रेजिक फ्लॉ को हमर्सिया कहते हैं, और यही ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से ऑडियंस उस ट्रेजिक हीरो के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, और यही ट्रेजिक फ्लॉ उस ट्रेजेडी को और भी पावरफुल बनाती है, क्योंकि इस ट्रेजिक फ्लो का सोर्स हीरो के इंटरनल कैरेक्टर में होती है जैसे प्राइड, एरोगेंस आदि। और एक जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एक ट्रेजिक हीरो की, वो है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून का मतलब है कैरेक्टर का भाग्य परिवर्तन होना, मतलब उसकी लाइफ अच्छे से बुरे की तरफ जाना। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून का केवल ये मतलब नहीं है कि कैरेक्टर केवल अपनी मनी खोएगा या अपनी स्टेटस खोएगा, बल्कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून का ये मतलब है कि कैरेक्टर पूरी ट्रेजेडी के दौरान बहुत सारे सफरिंग का सामना करेगा जिसका वो एक्चुअली में हकदार नहीं है, या वो सारे सफरिंग वो डिजर्व नहीं करता। सो एरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो की तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाया है। नंबर वन, कैरेक्टर वर्चुअस होना चाहिए। नंबर टू, कैरेक्टर में कुछ फ्लॉज होना चाहिए। और नंबर थ्री, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। सो अगर हम इन तीनों क्वालिटीज को सम अप करें तो एरिस्टोटल ये कहना चाहते थे कि एक ट्रेजिक हीरो की नॉबल बर्थ होनी चाहिए और उसमें कुछ हीरोइक क्वालिटीज होनी चाहिए, एट द सेम टाइम उसमें कुछ फ्लॉज भी होने चाहिए जो कि उसके भाग्य को चेंज कर देगा और उसके पतन का या डाउनफॉल का कारण बनेगा। अब हम मॉडर्न ट्रेजिक हीरो के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह एरिस्टोटल ने कहा था कि एक ट्रेजिक हीरो बनने के लिए उसे नॉवल होना चाहिए और उसमें कुछ हीरोइक क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन एक मॉडर्न ट्रेजिक हीरो जो कोई भी हो सकता है, चाहे वो अपर क्लास का हो, चाहे वो लोअर क्लास का हो, और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक मॉडर्न ट्रेजिक हीरो कोई भी कॉमन मैन हो सकता है, बल्कि एक विलेनियस या सेमी विलेनियस पर्सन भी एक ट्रेजिक हीरो हो सकता है जिसके पास कोई भी हीरोइक क्वालिटीज ना हो। अब हम मॉडर्न ट्रेजिक हीरो और एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो में कुछ सिमिलरिटीज को देखेंगे। नंबर वन,
एक एरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो की तरह मॉडर्न ट्रेजिक हीरो को भी ऑडियंस की सिंपैथी गेन करना पड़ता है। एरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो की तरह मॉडर्न ट्रेजिक हीरो में भी कुछ ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए जो कि उसके पतन का या डाउनफॉल का कारण बनता है। अब हम एरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो की एग्जाम्पल को देखेंगे। ईडिपस एरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो का बेस्ट एग्जाम्पल है। ईडिपस न केवल एक शक्तिशाली राजा था बल्कि उसमें अहंकार और प्राइड भी था। ईडिपस ने जरूर अपने फादर को मार के अपनी माँ से शादी की थी, लेकिन उसके डाउनफॉल या पतन का जो मेन कारण था वो ये था कि वो अपने भाग्य या फेट को चेंज करने चला था जो कि पहले से ही तय था। क्योंकि ईडिपस एक अच्छा इंसान था इसलिए ऑडियंस उसके साथ रिलेट कर पाती है। और एक टिपिकल ट्रेजिक हीरो की तरह ईडिपस को भी बहुत सारी सफरिंग का सामना करना पड़ता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। अब हम एक मॉडर्न ट्रेजिक हीरो के एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसमें हम डेथ ऑफ द सेल्समैन की विली लॉमैन को डिस्कस करेंगे। आर्थर मिलर ने अपनी प्ले डेथ ऑफ द सेल्समैन के जरिए एक ऐसा हीरो को प्रेजेंट किया था जो ना ही नॉबल या पावरफुल था और ना ही वो हाई स्टेटस का था, बल्कि वो एक रेगुलर वर्किंग पर्सन, एक सेल्समैन था। विली एक अच्छा इंसान था लेकिन उसमें भी कुछ फ्लॉस थे। विली आंख मूंद कर सक्सेस के आइडियाज पर भरोसा करता था और अमेरिकन ड्रीम को फॉलो करता था जो कि अल्टीमेटली उसके डेथ का कारण बनता है और उसे एक मॉडर्न ट्रेजिक हीरो बनाता है। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।